कभी बयान से तो कभी अपनी किताबों से सुर्खियों में रहने वाले दिग्गज कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को अलौकिक कहा, तपस्वी कहा और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से उनकी तुलना की। आप तो जानते हैं भगवान राम की पड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुँच गई तो राम जी भी पहुँचेंगे। कुछ ही हफ्तों पहले कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से की थी और अब सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है। राम और रावण की इस पॉलिटिक्स पर सियासी महाभारत छिड़ना तो तय ही है। सनराइज ओवर अयोध्या इस किताब के जरिए हिंदुत्व की तुलना आईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से करने वाले कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने फिर कुछ ऐसा ही बयान दिया है जो अब वायरल हो रहा है। अब इस बयान पर भाजपाइयों ने भी एतराज जताया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सलमान खुर्शीद की टिप्पणी को हिंदू धर्म का अपमान बताया है। शहजाद ने ट्वीट किया, सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से की और खुद की तुलना भरत से, ये चौंका देने वाला है। क्या वह किसी की तुलना दूसरे धर्मों के भगवान से करने की जुर्रत करेंगे? आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद बीते सोमवार को यूपी के अमरोहा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को यूपी के गाजियाबाद से फिर शुरू होगी। फिलहाल यह यात्रा 9 दिन के ब्रेक पर दिल्ली में है। बस उसी दौरान सलमान खुर्शीद ने ये बयान दिया जो अब सुर्खियां बटोर रहा है।